तो इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इन चारों चीज़ों का यूज़ किया हो। सबसे पहले यहाँ पर एक पावरफुल बैटरी जो कि 18650 लिथियम आयरन बैटरी है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ किया हो, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मैंने लिया हो, जो कि SPST स्विच है। उसके बाद यहाँ पर वाइट कोब LED मैंने लिया हो। कनेक्शन करते टाइम बैटरी का पॉजिटिव और जो चार्जिंग मॉड्यूल का पॉजिटिव, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखकर आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया होता है, और बैटरी पर भी वायर होता है आपका। और अब यहाँ पर मैंने शोल्ड भी कर दिया हो, दोनों वायर शोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने शोल्ड कर दिया हो, एक यहाँ पर ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने स्विच लिया हो, ये स्विच हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइड पे हमें शोल्ड कर देना है, जो बैटरी का स्विच का वायर है। ये देखिए अब जो ये कोब LED का लाइट है, मतलब वायर है दो, इसमें से एक जो वायर है हमें स्विच के ऊपर जोड़ना है। और फिर जो दूसरा वायर है वो हमें बैटरी के अपने चार्जिंग मॉड्यूल के या फिर बैटरी का जो वायर कनेक्शन के या हो वहाँ पे हमें शोल्ड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे दो वायर गलत हमने लगाए थे, तो देखिए क्या गलत किया था। ये जो हमने कोब LED का वायर है जो पॉजिटिव वाला है, उसको मैंने यहाँ पर जो स्विच है इसके ऊपर जोड़ दिया था, यहाँ में जोड़ दिया था, तो यह लाइट जो है ग्लो नहीं हो रही थी, अब ग्लो हो रही है। और जो दूसरा ब्लैक वाला वायर है कोब LED का, इसका कोब LED का, वो मैंने स्विच पे दिया हो, मतलब हेरा फेरी कर दिया हो। अब इसको हम कहीं पे बॉक्स में हम सेटा देते हैं, मतलब डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कार्ड का बॉक्स बना लिया हो, यहाँ से ग्रुप कटिंग किया हो एक स्विच के लिए, स्विच को हम बाहर निकालेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये स्विच हो गया, बैटरी हमारा अंदर रहेगा। बाकी आप इस चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ चिपका सकते हैं, और मैं ऐसे चिपकाने वाला हूँ। अब यहाँ से जो है हम को थोड़ा सा कट लगा देंगे, और इसके अंदर से जहाँ से कट लगाया है यहाँ से इस कोब LED लाइट को हम ऐसे निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो इमरजेंसी लाइट है उसका पूरा पैकिंग हो चुका है, बस हमें इसको अभी चिपका लेना है फिक्स। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो ये इमरजेंसी लाइट है ये बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और चला सकते हैं। बाकी आपको मैं इसको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो चार्जिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो ये देखिए माइक्रो USB हमने लगाया है, तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से लग चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, रेड LED जल रही है, मतलब चार्ज हो रहा है। और ये जैसे ही ब्लू हो जाएगा तो फुल चार्ज बैटरी का जो है इंडिकेट कर देगा। चार्ज हो जाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको चलाते हैं, तो चला के देखते हैं एक बार। ओ भाई काफ़ी बहुत ही अच्छी प्यारी लाइट है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अंधेरा करके। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है प्यारी लाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा निकाल के मोबाइल दिखा देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर अभी, बेबाकी पूरा यहाँ पर दिख रहा है आपको बैकग्राउंड का सारा। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा बनाया हुआ इमरजेंसी लाइट है, और देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा जो है रोशनी दे रहा है। और ये देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, हमने एकदम हाथ में पकड़ के कहीं पर आप घूम सकते हैं, इतना कॉम्पैक्ट बनाया है देखिए। तो मार्केट से 100-200 का खर्चा करने से अच्छा है कि आप ये वाला इमरजेंसी लाइट आप बना कर देख ले घर पर और यूज़ करके देख ले, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब मैंने इसको PVC सीट से नहीं बनाया हो, नहीं तो ये और भी अच्छा बन सकता है। आप अगर कमेंट करोगे तो हम और अच्छा इससे पावरफुल जो है
इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।